हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। सो हैप्पी करवा चौथ मेरे ऑल यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से करवा चौथ की बहुत सारी बधाइयाँ एंड हैप्पी करवा चौथ। और अभी मैं नहा वहा के रेडी होने जा रही हूँ करवा चौथ के लिए। टाइम हो रही है 5 और बस अब मैं सोच रही हूँ कि रेडी हो जाती हूँ धीरे धीरे। तो अभी मैं जस्ट शॉवर लेकर आई हूँ और बाल को ड्राई कर रही हूँ ड्राई से, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेटअप का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ ताकि फेस थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाए। और मेरा बाबू होने के बाद ना ऑपरेशन के बाद हल्का वेट भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा लूज कपड़ा पहनती हूँ और फिटिंग कराने के लिए की सोचती हूँ कि कंफर्टेबल हो, सो इस वजह से। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर के बाद शुगर का प्राइमर लगा ली हूँ। मैं सोची चलो वीडियो कुछ ना कुछ थोड़ा मेकअप का शूट कर ही लेती हूँ। फाइनली मैं पार्लर वाली को बोली थी आने के लिए, बात हुआ था बट वो नहीं आ पाई, शायद उनकी बेबी बीमार पड़ गई थी तो वो फ़ोन किए तो मना कर दिया आने के लिए। तो मैं खुद से ही फिर लास्ट टाइम रेडी होने लगी, तो मैं सोची चलो कैसे रेडी होती हूँ क्या क्या पहनूंगी वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्राइमर लगा ली हूँ, उसके बाद देन मैं लगाई कंसीलर मैट लुक का 02 शेड नंबर। उसके बाद मैं लगा ली फिटमी का फाउंडेशन, और उसके बाद मैं लगा ली कलर करेक्टर जो कि पर्पल का है। और उसके बाद मैं कलर करेक्टर का यूज़ इसलिए किया क्योंकि रात में मेरा नींद अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आँख में थोड़ा टैनिंग भी हो गया है तो इस वजह से। उसके बाद मैं फिर कंसीलर लगा ली और उसको फेस पाउडर से लूज पाउडर से पूरे चेहरे को पैक कर ले। तो यहाँ पे मैं आई शेडो लगा ले रही हूँ, थोड़ा सा आई शेडो लाइट शेड में लगाई हूँ जो मेरा साड़ी का कलर है हल्का ब्राउन शेड में। उसके बाद मैं हल्का गोल्ड दी हूँ हाइलाइटर हाथ से ताकि थोड़ा सा लाइट करे। और उसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर कर ली थी कि चीक के पास था कि फेस शेप में है। उसके बाद मैं फाइनल आईलाइनर लगा के और मेकअप को अब कंप्लीट ही करूँगी। तो ये रहा मेरा कुछ आज का लाइनर मस्करा काजल और आई शेडो लगा के फाइनल कंप्लीट ही होने वाला मेकअप जो कि मैं खुद से रेडी हुई हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा आज का मेरा मेकअप लगा। ये है पर्पल का हाइलाइटर और पर्पल का ही ब्लश जो कि मेरा फेवरेट है, लिक्विड में कोई तामझाम नहीं है, फटाफट थोड़ा सा दोनों साइड लगाते हैं और मेकअप हो जाती है। ऑलरेडी मैं थोड़ा ब्लॉग लेट शेयर कर पाती हूँ क्योंकि बेबी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल, और एडिट करने में क्योंकि अभी भी देख रहे हैं बीच में थोड़ा बहुत आवाज़ आते रहता है उसका। सो प्लीज़ लेकिन आप लोग प्यार दीजिए और मेरे चैनल को एक बनाया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, कमेंट करके बताइए कि ये मेरा प्यारा सा मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। फाइनली रेडी होने के बाद मेरी सिस्टर मेरे को जूड़ा भी कर दी थी, मैं एक वो लेकर आ गई थी गजला। फाइनली इस साड़ी पर तो ओपन ही हेयर स्टाइल अच्छा लगता बट मैं थोड़ा सा करवा चौथ था इसलिए मैं हैवी लुक देने के लिए थोड़ा सा जूड़ा साइड जूड़ा बना ली थी। सो गाइस, तो करवा चौथ में ना 16 सिंगार हम लोग में सब लोग करते हैं। 16 सिंगार सबसे माना जाता है कि सुहागिन का प्रतीक है और 16 सिंगार करना चाहिए। 16 सिंगार ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। 16 सिंगार दान देने से कहते हैं कि जितना ही दान करने से उतना ही दान के रूप में फिर वापस मिलता है। सो आगे मैं लोग
बरनती होती है, माँ बड़े लोग का आशीर्वाद लेना चाहिए करवा चौथ में, और 16 सिंगार तो जरूर करना चाहिए। तो ये महावर हम लोग की बिहारी यूपी की सबसे फेमस सुहागन है। और आज के दिन ना हम लोग नया बिछुआ पहनते हैं, और नया बिछुआ कहते हैं कि पंडित जी को एक दान देना चाहिए, एक सासू माँ को एक खुद पहनना चाहिए। तो बिछुआ हम लोग ये वाली बिछुआ इसलिए गाइस पहनते हैं क्योंकि जूती वगैरह पर गड़ता चुभता नहीं है। और फाइनली नंद वगैरह नंद मेरा पाँव भर के तैयार करती हूँ, और ये है फाइनल। एक एक चीज़ मैं याद करके प्रॉपर रेडी हो जाती हूँ। प्लेन बिछुए इसलिए पहनते हैं गाइस क्योंकि जूती वगैरह में छूटता नहीं है और कंफर्टेबल रहता है। हमेशा मैं सालों यही बिछिया डालती हूँ, ताकि ये ना बिछिया क्या होता है कि कोई जैसे बेडशीट वगैरह पर सोते वगैरह हो ना, तो फंसता नहीं, कपड़ा नहीं उलझता है, चादर नहीं फटता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही मेरी यहाँ पे मेरी फाइनल रेडी हो गई है, और मेकअप को मैं थोड़ा देर टचअप के लिए छोड़ी हूँ, और इसमें लिपस्टिक बिंदी लगाना सिंदूर बाकी है ताकि मैं बाल भी सूख जाए हल्का। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे नेल पेंट कर रही हूँ, नेल पेंट कर रही हैं, और यहाँ पे मैं अभी देखती हूँ कितना कलर रंग लाता है। फिलहाल अभी फाउंडेशन लगा इसलिए नहीं नज़र आ रहा है, और नेल पेंट 16 श्रृंगार करते हैं कि आज करवा चौथ के लिए मस्त होता है। तो यहाँ पे 16 श्रृंगार मैं करने वाली हूँ, काजल, महावर, अलता, नेल पेंट, मेहंदी, फाउंडेशन, क्रीम, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, ऐसे ऐसे करके 16 से भी ऊपर जाता है। तो 16 श्रृंगार दान भी करना चाहिए और 16 श्रृंगार लगाना भी चाहिए। तो यही सब जो चल रही है, और फाइनल हम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं पूजा के लिए। प्रसाद बन गया है, गुलगुला और खीर, सेवैया और पूरी, बस अब पूजा के लिए जाएंगे। साड़ी पहनने के लिए पहले चूड़ी पहन लेना, तो ये साड़ी मम्मी लिखवाई थी नामकरण में, लेकिन नामकरण के दिन हम लाइट साड़ी पहन लिए थे, आज ये साड़ी पहनने वाले। तो अभी चलते हैं चूड़ी पहन लेते, लक्ष्मी बने रही है। ये एक मरून कलर का मेकअप किए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा मेकअप फाइनल देख के पकड़िए। सो गाइस, तो अभी साड़ी और ज्वेलरी पहन लिए हैं, और मेकअप भी फाइनल हो ही चुका है, बस सिंदूर लगाना है। फाइनल दिखाती हूँ आप लोग को, चलती हूँ। बाप रे, आप कह रहे थे मम्मी देरी हमको इतना बड़ा बिंदी, यही ठीक है मम्मी, अभी ट्रेंड में चला हुआ इतना ही बड़ा का, हाँ ठीक है ना जोनीसू, अभी इतना ही चला हुआ, देखते लगा के पुलिस में का गम चला जाए। ऐसे तो ये सब साड़ी में खुला ही बाल ओपन ही अच्छा लग रहा था, बट मैं थोड़ा हैवी लुक देने के लिए
जूड़ा बनवा ली थी कि ताकि थोड़ा हैवी करवा चौथ में लुक लगे। और फाइनल आप लोग को ये लुक और मेकअप कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। सब लोग का इसमें प्यार है इस बार मेरे लिए करवा चौथ। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि बहुत ही खास स्पेशल है। सिस्टर भी है, नंद भी है, मम्मी भी है, पूरे फैमिली है, वरना मैं अकेले सारी चीज़ कर अरेंज करना बहुत टफ हो जाता बाबू के साथ। तो एक एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ और बहुत ही टाइम पे हो गया था सब कुछ, क्योंकि सब लोग थे तो यही फैमिली के साथ रहने में यही थोड़ा सही लगता है कि सब चीज़ आपका फेस्टिवल अच्छे से निकल जाता, पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा लोग सब हाथ बटा के काम कर लेते हैं और रेडी कर लेते हैं। तो फाइनल मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा मेकअप हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया था और साड़ियाँ पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक लगा था, सब लोग को पसंद आया था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अभी ये ट्रेंड में चला हुआ है साड़ी, सो ये वाली साड़ी अभी मार्केट में जाओ ना तो छाए हुआ है। तो अगर आप ऑफलाइन भी इस तरीके की साड़ी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो आप लोग पसंद करते आप लोगों को भी पसंद आ रहा है तो ये साड़ियाँ जाके विजिट कर सकते हैं। अट्टा मार्केट में भी इस तरह की साड़ियाँ हैं। फाइनली करवा चौथ के लिए रेडी हो गए हैं, मेरा सारा प्रिपरेशन भी रेडी हो गया है। सो ये है मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक। आई होप आप लोग को ये फाइनल लुक पसंद आया होगा। ये मेरा सेटअप पूरा फाइनल साड़ी आप देख सकते हो, चूड़े ज्वेलरी 16 सिंगार के साथ में खुद घर पे रेडी हुई हूँ, सब लोग योगदान है। और ये मेरा आज का फाइनल करवा चौथ लुक है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड प्यार दीजिएगा। नए होंगे तो मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पूजा के साथ, प्रिपरेशन पूजा स्टार्ट के साथ, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। इसमें मैं रेडी हुई हूँ, क्या क्या की हूँ, कैसे प्रिपरेशन हुआ है उसकी हूँ, ये मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए फाइनल को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय। सो गाइज, तो यहाँ पे हम लोग शाम हो गई थी और हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और साथ में ये प्यारा सा गिफ्ट ज्वेलरी सब लेके आए थे और एक बैग से ला के दिए। सो बहुत ही तीन ले रहा है, क्या है करवा चौथ का स्पेशल गिफ्ट, ये इसीलिए लेट हो रहा था। सो गाइस तो ये है मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक खुद से रेडी होने का। और अब चलती हूँ पूजा शेयर करने, पूजा करने और फाइनली ज्योति रानी क्रेडिट जूड़ा एंड मेकअप वीडियो कैमरा बनी थी निशु रानी। सो सब लोग कोई प्यार भरा कोई हालता। इस बार मेरा करवा चौथ काफ़ी स्पेशल, काफ़ी अच्छे से बीत गया, पता नहीं चल रहा है। 7 बजे का ज्योति प्रसाद वगैरह भी बना दी और सबसे खास है कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट्स भी आया, बहुत ही धमाकेदार इस बार मेरा करवा चौथ। बाबू ने इस बार स्पेशल करवा चौथ बना दिया है और ये है मेरा कस फाइनल लुक। तो अब चलते हैं पूजा वगैरह कर लेते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करते हैं आप लोग को। तब तक आप लोग ब्लॉग्स में एंजॉय कीजिए एंड पसंद करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। हैप्पी करवा चौथ, मिलते हैं पार्ट 2 ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। ठीक केयर करें, ये बताइए अब जल्दी से जा रहे हैं दूसरा ब्लॉग बनाने, कैसा लग रहा है आज? अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो। हम खुद से मेकअप किए हैं। अच्छा ठीक है, उस दिन से पार्टी, सुनो खुद का ही मेकअप अच्छा लगता है। तुम कल तो मैं उधर सुनो, पार्टी के मेकअप से ज्यादा अच्छा लग, पार्टी के मेकअप ऐसा लग रहा है ना? नहीं, पार्टी वाला मेकअप भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि उसका मेकअप पार्टी मेकअप का वीडियो ही नहीं अच्छा बन पाया, लेकिन मेकअप बहुत अच्छा, सब लोग तारीफ करते रहते। हैप्पी करवा चौथ बोलिए मेरे को, हैप्पी करवा चौथ, तुम्हारा सही हो, जल्दी से आप चलो। थैंक यू, गिफ्ट बहुत प्यारा था आपका, थैंक यू। चलो मम्मी आप थोड़ा सा पूजा करवा दी जल्दी से। हाँ छापे जाएंगे, पहले यहाँ सारा कहानी करना है ना। गिफ्ट आज का करवा चौथ का ये पूजा कर लेता हूं, इसलिए आराम से दिखाएंगे गाइस, क्योंकि अभी जा रहे पूजा कर लेती हूँ। हाँ अब ये है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट और ये है मेरा सारा सामान। ये है पति देव लाए थे, अभी जस्ट लेकर आए हैं सूट प्लाजो, तो चलते हैं पूजा कर लेती हूँ चल। और यहाँ पे मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया था, तो सबसे बड़े लोगों से जब आशीर्वाद लेके उसके बाद मैं पूजा पे बैठी, तो फाइनल आप करवा चौथ का जो भी पूजा मैं करूँगी वो पार्ट 2 ब्लॉग शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग लंबा हो जाता है।